सितारे तोड़ के तुम दामन में सजा सकते हो, सितारे तोड़ के तुम दामन में सजा सकते हो, हाथ बढ़ाओ तो सही और जरा और जरा। जी हाँ, VCSM लखीसराय के राजीव कुमार ने इसे सिद्ध किया है। इसको सर चलाने के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है, सर के पास काउंसलिंग करके आसानी से वहाँ से लाइसेंस लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, फिर आप इसको आसानी से आप चला सकते हैं। चलाने के लिए नॉर्मली आपको स्ट्रांगली फैकल्टी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जस्ट ये जो भी हो सर एक तरह से ही बिजनेस का रूप है, और कोई भी बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है। जब आपके पास बच्चे सेटिस्फाइड रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो स्टूडेंट खुद वो स्टूडेंट को लेके आएंगे कि वहाँ पे इस तरह से सुविधाएं हैं, इस तरह से आपको फैसिलिटी दिया जाता है, तो स्टूडेंट ही स्टूडेंट को जनरेट करते हैं, मेरा मानना अभी तक ये रहा। 25 फरवरी 2013 को VCSM से प्रभावित होकर राजीव ने कंप्यूटर संस्था VCSM एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की नींव डाली। हाँ, विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन के बारे में आपको बता दें सर, सबसे बड़ी समाज के लिए हमको क्या फ़ायदा होता है कि आज की डेट में हमको पता है कि आज का कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमेशा हर एक सेक्टर में कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट किया गया है, जिस वजह से आज की डेट में ये कहा जा सकता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं अगर कंप्यूटर नॉलेज उनके पास नहीं है तो पढ़े लिखे अनपढ़ के कैटेगरी में आ जाएंगे। मात्र 8 कंप्यूटर सिस्टम से शुरू हुई VCSM लखीसराय के पास आज 21 सिस्टम है, और मात्र 2 साल में संस्था के पास 300 से अधिक स्टूडेंट्स हैं। आज हमारे पास 21 कंप्यूटर्स का सेट है, ठीक है, और हम लोग हमेशा इसको अपग्रेड करते रहते हैं ताकि बच्चे को बेहतर से बेहतर सुविधा दे सके। हम लोग के यहाँ बच्चे का रेशियो एक कंप्यूटर पे एक का है, एक घंटे के लिए एक कंप्यूटर एक बच्चे को दिया जाता है जिसमें वो एक घंटे लाइव करते हैं, और हम लोग सर बच्चे को हमेशा एक्स्ट्रा टाइम के लिए पूछते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा और ज़रूरत है, आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया या आपका कोई क्लास मिस कर गया है तो आप बताइए, उसको हम फिर से रिपीट करवाते हैं, फिर से एक्स्ट्रा टाइम देकर उनका क्लास लाइव पूरा करवाते हैं। यंग डायनेमिक पर्सनालिटी के धनी राजीव, पिता की असामयिक मृत्यु के बाद ये निर्णय लिया कि लखीसराय में रहकर ही परिवार की देखभाल करेंगे, बहनों की शादी करेंगे। लोग तो कहते हैं सर घटना हमेशा कुछ सिखा के जाते हैं, तो पिताजी के जाने के बाद जिम्मेवारी मेरी बढ़ गई और जिम्मेवारी को निभाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी हमको ये ना लगा कि पिताजी छोड़ के आधे रास्ते में चले गए तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा, उनका हमेशा आशीर्वाद रहा और हम आगे अभी कंटिन्यू बढ़ ही रहे हैं और हमको इसमें बहुत अच्छा भविष्य दिख रहा है। फैमिली में सर हम 4 भाई 4 बहन हैं, जिसमें मेरी मम्मी है, पापा जी नहीं है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही रहता है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम फुलफिल कर पा रहे हैं। सब लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे भाई बहन, और मेरी मम्मी है, क्योंकि मम्मी से हमेशा हम हर एक बात के लिए बात करते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं मम्मी हमको इस तरह से काम करना, इस तरह से काम करना, तो हमेशा मम्मी से पूछती है करना क्या है, उसको करने के लिए करना क्या है, सिर्फ हमको प्लान बताना रहता है, मम्मी हमेशा हमको कॉपरेट करती है। सौभाग्य से गर्दिश के दिनों में इन्हें सहारा मिला विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन का। नाम से परिचित थे VCSM-STS से, इस वजह से हम लोग संस्था का नाम VCSM कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रखे ताकि लोग को ये ना लगे कि कोई अलग ब्रांच है, क्योंकि इनका नाम ऑल ओवर वर्ल्ड पे फैला हुआ, पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ, सब लोग इस नाम से परिचित थे। और हुआ यूं, राजीव लखीसराय गौशाला VCSM से ही कंप्यूटर की पढ़ाई की, पढ़ाई और सिलेबस से राजीव पूरी तरह संतुष्ट थे। इस संस्था से हम पहले से जुड़े रहे, यहाँ से हम कुछ कोर्स भी किए हैं जैसे कि टैली, और हम और भी जगह से कोर्स भी किए थे, तो इस संस्था से हम हमारे शहर में एक जगह और भी थे जहाँ से हम एज ए फैकल्टी काम भी कर रहे थे, तो उसी दौरान सर मोटिवेट वहाँ के किए कि आप सेंटर डालिए। इसी बीच गौशाला स्थित VCSM सेंटर किसी कारणवश बंद हो गया, तब बिना समय गंवाए राजीव ने विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन के हेडक्वार्टर से संपर्क कर VCSM सेंटर खोलने की इच्छा जताई, जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। और आपका कैरियर बी सी से जुड़ा हुआ, आप BSc IT किए हुए, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन BSc IT है, सर बोले कि सेंटर चलाइए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो वहाँ से सर के बाद से हम लोग खुद का अपना यहाँ सेंटर डाले और अच्छा खासा भी रिस्पांस हमको मिल रहा। बस राजीव ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे आगे राजीव और जमाना उनके पीछे था। लखीसराय हम इंस्टीट्यूट से इसलिए आगे रहते हैं कि सर फैकल्टी के तौर पर हम स्ट्रांगली इसको डील करते हैं और हम एक से ज़्यादा कोर्स को ऑफ़र करते हैं, और जगह पे नॉर्मली 1 से 2 कोर्स ऑफ़र किया जाता है,
लेकिन हम यहाँ पे बहुत सारे कोर्स को ऑफर करते हैं, जैसे कि DCA, ADCA, HDIT, DCAT, PGDCA। और नॉर्मली जगह पे ऐसा होता है जहाँ कि आपको सिर्फ DCA और ADCA की सलाह दिया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट इनकेस अगर बोल दिया जाए कि हम साल भर का सर कोर्स करेंगे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये सलाह दिया जाता है कि आप ADCA कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हम उनको एक प्रसार से पहले ये पूछते हैं कि आप कंप्यूटर सीखना क्यों चाहते हैं और आपका सीखने का एम क्या है, आपका पर्पस क्या है। अगर वो पर्पस हमको क्लियर कर देते हैं तो हम उनके हिसाब से उनको कोर्स का सजेशन देते हैं। अगर वो नहीं कुछ बता पाते फिर उनको हम पूरा कोर्स का डिटेल बताते हैं कि ये कोर्स में ऐसा ऐसा स्कोप है, इस कोर्स का ये सिलेबस है, आप अपने हिसाब से इस कोर्स का फिर सिलेक्शन कर सकते हैं। VCSM लखीसराय में छात्र छात्राओं के माहौल को देखने से ऐसा नहीं लगता कि सेंटर महानगर में न हो। पूरी तरह से वेल एक्यूप लैब फैसिलिटीज विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने में जी जान से जुटे हैं। खुद राजीव एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ टीचिंग भी संभालते हैं। उनका मानना है कि जो कमी उनमें रह गई थी उनके छात्र छात्राओं को नहीं उठाना पड़े। हम जब सीख रहे थे कंप्यूटर तो जो मेरे साथ परेशानी होता था हम वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट के साथ हो। हमको हम स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली डील करते हैं, हमेशा उसको पूछते रहते हैं बाबू ये बताओ कि तुमको कौन सा टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ है या कौन सा टॉपिक नहीं समझ पाए हो। तो हम हमेशा स्टूडेंट को बोलते हैं कि जो आपको नहीं समझ में आया वो हमेशा क्लास में, क्लास के बाहर कभी भी आप एक्स्ट्रा टाइम ले करके लाइव क्लास के लिए आप पूछ सकते हैं, उसके लिए आप हमेशा स्वतंत्र हैं। और सबसे हमेशा ये जो हम कोशिश करते हैं कि जब हम क्लास कर रहे होते हैं, जब हम क्लास किए थे, जो मेरे साथ परेशानी हुआ था वो परेशानी स्टूडेंट के साथ नहीं हो। और यही कारण है कि बच्चे इनके पीछे खींचे चले आते हैं। VCSM लखीसराय की एक खास बात ये भी है कि यहाँ के सेंटर में छात्राओं की संख्या अधिक है। आज के जनरेशन में लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो गांव से भी बहुत सारी लड़कियाँ आ रही है और कंप्यूटर सीख रही है। लखीसराय में बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर हैं, लेकिन VCSM में कुछ ऐसी सुविधा है जो अदर कंप्यूटर सेंटर में नहीं है, जैसे कि बेटर लैब, बेटर क्लास। यहाँ पे क्लास में हर चीज़ इतने अच्छे से समझाया जाता है जो बेसिकली यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर सेंटर में नहीं सिखाया जाता है। और बात रही लैब की, तो लैब भी यहाँ से बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ से वो सब चीज़ सीख रही हूँ जो मुझे शायद आगे किसी और जगह सीखने के लिए नहीं मिले, इसलिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर सीख रही हूँ। विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं आगे, मतलब पढ़ने के लिए प्रोग्रेस कर रहे हैं लड़कियों के लिए, खासतौर पर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वाकई में राजीव और VCSM ने कंप्यूटर शिक्षा के प्रति लड़कियों को प्रेरित किया है, साथ ही प्रेरित किया है अपनी बहन को जो कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण कर बतौर फैकल्टी अपना योगदान VCSM लखीसराय सेंटर को दे रही हैं। किसी भी बिजनेस में फैमिली का जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इससे आपको कभी ये ना लगेगा काम का प्रेशर नहीं होता, आप हमेशा फैमिली का जुड़े रहते हैं, क्योंकि लाइफ में फैमिली से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। अगर आप फैमिली के साथ काम करते हैं तो आपको कभी कोई भी काम, अगर परेशानी भी है, कोई काम सटीक नहीं हो पा रहा, तो आप फैमिली से डील करके उसको आसानी से आप मूवमेंट कर सकते हैं। राजीव का भी मानना है कि पारिवारिक सपोर्ट जरूरी है किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए। तो फैमिली से हम लोग का सर मम्मी का कोऑपरेट रहती है, मेरी एक बड़ी बहन है गुड़िया कुमारी जो कि BCom पार्ट 2 की है, उसको भी हम लोग DCAT कंप्यूटर कोर्स करवाए हैं, हमेशा वो भी कॉपरेट करती है लैब वगैरह में। इनका हम एब्सेंट रहते हैं तो क्लास वगैरह को मेंटेन कर लेती है, देख लेती है, लैब को देख लेती है। तो हमको अगर एब्सेंट भी रहते हैं तो हमको ये फील नहीं होता कि मेरा सेंटर आज बंद हो जाएगा, वो हमेशा वो वजह क्या, तो सिर्फ फैमिली की वजह से। बहनों के सपोर्ट के कारण VCSM सेंटर एक दिन भी बंद नहीं होता। VCSM के हरेक सेंटर की तरह इस सेंटर को भी वही मार्गदर्शन है जो अन्य को मिलता है। मार्गदर्शन में सर हम तो माताजी का नाम लेंगे, क्योंकि हमेशा वो हमेशा कोऑपरेट करते हैं, कोई भी काम करते हैं उनसे पहले बात करते हैं, मम्मी हमको ये काम करना है, ऐसे ऐसे इसमें प्लान है मेरा, इस तरह से प्लान होता है, उस प्लान को मम्मी को बताते हैं और मम्मी हमको फिर कोऑपरेट करती है और उसको हम फिर इम्प्लीमेंट कर देते हैं रियल लाइफ में। ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ VCSM कंपाइल्ड सिलेबस, जहां एक ओर छात्र छात्राओं को क्वालिटी एंड प्रैक्टिकल टीचिंग दे रही है, वहीं दूसरी ओर राजीव के अपने आइडियाज और व्यवहारिक अप्रोच भी बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।
तो बच्चा के लिए सर सबसे बड़ी बात, नया क्लास हम लोग एक स्मार्ट क्लास बनाने का मेरा प्रोजेक्ट पे चल रहा है काम। हम बच्चे के लिए मतलब एज ए लाइव क्लास प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग क्लास लेना शुरू चल रहे हैं। और चूंकि आज की डेट में ऑनलाइन का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो चुका है, जैसे कि बैंकिंग का एग्ज़ाम हमेशा ऑनलाइन होते जा रहे हैं, बैंकिंग का एग्ज़ाम, टोटल बैंकिंग एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, तो इसके लिए बच्चों को ऑनलाइन का व्यवस्था करवा रहे हैं, यानी कि बच्चे के लिए ऑनलाइन टेस्ट शुरू करने वाले हैं, ताकि बच्चे को बैंकिंग वगैरह के लिए या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मदद हो सके और वो आसानी से अचीव कर सके। छात्र छात्राओं ने भी स्वीकार किया है कि संस्थान के डायरेक्टर राजीव फ्रेंडली हैं और किसी प्रॉब्लम पर बार बार बताने और सॉल्व करने को तैयार रहते हैं राजीव कुमार। हाँ, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं राजीव कुमार, वो बहुत ही सपोर्ट करते हैं, हमेशा एक्टिवेट करते रहते हैं पढ़ने के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। यहाँ के जो लैब टीचर हैं वो भी बहुत अच्छे से लैब करवाते हैं, बहुत यहाँ के जितने भी सेंटर है उसके अपेक्षा तो हमको यही बहुत अच्छा लगा। राजीव ने इसी कारण यंग एंड डायनामिक फैकल्टीज की टीम गठित की है जो सभी मिलकर संस्थान को संचालित करते हैं। ये विश्व कंप्यूटर संस्था मिशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी मान्यता पूरे विश्व में है। ये संस्था हमारे सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इससे हमारे संस्था में जो डायरेक्टर हैं और लैब जो हैं सारे मेहनत करते हैं, मतलब पढ़ाई के मामले में, लैब के मामले में, ठीक है, ये सारे हमारे फैसिलिटी देते हैं। लैब में फैसिलिटी यही ऑफिस का टैली का, मतलब जो प्रोग्राम उसमें पढ़ाया जाता है वो सारा फैसिलिटी देते हैं। लाइन कट जाने पर हम जनरेटर की सुविधा देते हैं और इसमें जितने सारे लैब में प्रॉब्लम होते हैं वो सारा सॉल्व कर दिया जाता है। बच्चे को अगर नहीं समझ में आता है जो प्रोग्राम, उसमें हेल्प किया जाता है, नहीं ज़्यादा समझ में आने के कारण उसमें फिर हम दोबारा हेल्प उसको करते हैं। और जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं पढ़ने में उनको ही ज़्यादा करके प्रोवाइड दिया जाता है कि बढ़िया से बढ़िया वो सीख सके और सीखने के बाद अपना ज्ञान प्राप्त कर सके। VCSM द्वारा निर्धारित कई तरह के कोर्स चलाए जा रहे हैं जो फाउंडेशन से लेकर प्रोफेशनल हैं और उन सभी के समय सीमा भी निर्धारित हैं। लेकिन VCSM लखीसराय में समय सीमा बाद भी कोर्स जारी रहता है यदि वो कोर्स पूरा नहीं हुआ है। बकौल राजीव, अपने छात्र छात्राओं को वे इसके लिए शुरू से ही तैयार कर लेते हैं, यानी हर एक बारीकियों पर पूरी तरह से क्लास, ताकि कोई भी बच्चा इस सेंटर से निकलने के बाद अधूरा न रहे। हाँ, यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध है, टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को और मोटिवेट करते हैं कि आगे वो पढ़े, कंप्यूटर को अच्छे से सीखे और जाने। वो जो हमारे सर हैं वो काफ़ी अच्छे भी हैं और हमेशा ऑलवेज जो है सपोर्ट करते रहते हैं कि इस तरह से करो, और ये जहाँ तक होते हैं वो हमारे सबकी मदद भी करते हैं, किसी भी टाइप का जो भी रहे प्रोग्राम या फिर और कोई फंक्शन रहता है तो वहाँ तक सपोर्ट हमेशा करते हैं, ऐसे करना चाहिए ताकि आगे चल के तुम्हारा लाइफ आगे बढ़िया रहे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन यहाँ जो लखीसराय इंस्टीट्यूट है वो लखीसराय में सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट के तौर पर माने जाते हैं। यहाँ पर जो भी सिखाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, जितने भी स्टूडेंट आते हैं चाहे वो बहुत कम क्यों नहीं जानते हों, वो उनको अच्छे तरह से ट्रीट किया जाता है और वो आगे जाके कुछ जॉब पर भी हैं। राजीव के छात्र छात्राओं के प्रति पूरी तरह से समर्पण शिक्षा के व्यवहारीकरण का ही नतीजा रहा कि मात्र 3 सालों के अंदर VCSM लखीसराय बुलंदियों के शिखर पर है। IT में स्नातक राजीव अगर चाहते तो महानगरों में हैंडसम पैकेज पर काम कर रहे होते, लेकिन राजीव उसे करने के बजाय अपने गृह क्षेत्र में ही काम करना आरंभ किया। हम BSc IT किए हुए, हम इसी लाइन से जुड़े हुए थे और हम BSc IT जब कर रहे थे तो हमेशा लगा कि इस लाइन पे आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप समाज को भलाई, समाज को कोऑपरेट करते हुए, खुद को अपने आप को अपडेट रखते हुए आप आगे बहुत तेज़ी से निकल सकते हैं। पहले मैं सर बाहर जाने की इच्छा भी नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से हम लोग का जिस टाइम BSc IT कम्प्लीट किए थे मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे थे, तो हमको सेफ जोन एक चाहिए था। हमने सोचा घर पे रह के, जो कि मेरा घर का इस तरह का बनावट था, माहौल था कि हम लोग घर पे ऑन बिजनेस खुद का एस्टेब्लिश कर सकते थे, और वो हमने किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमको अपने बिजनेस का। आज हमारे पास बच्चे 300 से ज़्यादा हैं। आज राजीव सफल हैं, सफल न केवल बिजनेसमैन के रूप में बल्कि सफल हैं एक टीचर के रूप में,
सफल हैं एक अच्छे व्यवस्थापक के रूप में और सफल हैं एक बेहतर अभिभावक के रूप में। राजीव आज के उन सभी युवाओं के लिए एक उदाहरण है जो अपने करियर के लिए भटक रहे हैं। बस जरूरी है सही निर्णय लेने की और उसे पूरा करने में शिद्दत से जुट जाने को। सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी।